हनी सिंह वन ऑफ द ट्रेंडिंग आर्टिस्ट राइट नाउ बिकॉज उनका कल कला स्टार सॉन्ग ये ड्रॉप होने वाला है जिसका हम बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। पर हनी सिंह के फेम का फायदा हनी सिंह से ज्यादा टी सीरीज उठा रही है। पर आखिर क्यों? टी सीरीज ने पहले देसी कलाकार का रिमिक्स ड्रॉप किया उनके चैनल पर और जिसको बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स आया। फिर कुछ दिनों पहले टी सीरीज ने ब्लू आइज का रिमिक्स लॉन्च किया और फैंस ये कह रहे हैं कि हनी सिंह के फेम का फायदा उठा रही है टी सीरीज। वेल बैक इन द डेज जब एक वक्त था हनी सिंह के ऑलमोस्ट सारे गाने टी सीरीज से आया करते थे और उसी की वजह से टी सीरीज के सब्सक्राइबर्स इतने ज्यादा है। उस टाइम पे टी सीरीज को कम्पीट करने वाला एक ही बंदा था जिसका नाम है प्यूडीपाई। पर आफ्टर हनी सिंह को डिसीज हो गया उसके बाद वो म्यूजिक इंडस्ट्री से टोटली गायब हो गए और बहुत सालों के बाद जब उन्होंने कमबैक किया तब उन्होंने टी सीरीज के साथ कोई रिलेशन नहीं रखा। कमबैक में भी भाई बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है क्योंकि टी सीरीज हैज बीन अ ग्रेट सपोर्ट आई हैव सीन या हां आई हैव बीन अ ग्रेट सपोर्ट टू देम। बिकॉज ऑफ दिस हनी सिंह का जो इंटरनेशनल विलेज 2 ये एल्बम आने वाला है नेक्स्ट ईयर, ये भी स्पीड पंजाबी के लेबल से आने वाला है। हनी सिंह ने म्यूजिक इंडस्ट्री में इतना बड़ा फैन बेस क्रिएट किया है कि कोई भी जब उनको ट्रोल करता है, कोई भी उनको कुछ भी कहता है, तब वो किसी का रिप्लाई नहीं करते बिकॉज ऑफ हनी सिंह फैंस। सो टी सीरीज इन द फ्यूचर ऑल्सो बहुत सारे हनी सिंह के गाने रिमिक्स कर सकते हैं और उनके चैनल पर ड्रॉप कर सकते हैं। वेल अब ये हनी सिंह पर डिपेंड करता है कि उनको टी सीरीज के साथ कोई रिलेशन रखना है या फिर नहीं इन द फ्यूचर। सो गाइज अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना और आपका ओपिनियन जरूर बताना।